किसके खिलाफ है कि औरतों को बंद कर दो? किसने बोला बंद कर दो? अच्छा मुफ्ती साहब, देखिए आप, हमने कहा कि औरत को अल्लाह ने इज्जत दी है। आप गलत डालने का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए बहुत सी खबातें इनकी दिलाजारी भी हो रही होगी। आप इसकी जरा वजाहत कर दें कि आप किन अल्फाज को गंद डालने से आप तशबीह दे रहे हैं, जरा ये थोड़ा क्लियर। पहले तो ये कहते हैं ये सर, ठीक है डॉक्टर फिजा अकबर साहिबा, इनका तो काम शुरू यहाँ से हुआ कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई ना तो तुम्हारा जिस्म तुम्हारा है और ना तुम्हारी मर्जी चलेगी, ये जिस्म भी अल्लाह का है और मर्जी भी अल्लाह की है और ये कुरान ने कहा है, इसीलिए खुदकुशी करना हराम है। अगर हमारा अपना जिस्म होता तो हम अपने आप को मार देते, तो ये खुदकुशी जो है ना कानूनन जुर्म होती और ना शरण जुर्म होती। हदीसे पाक में है जिसने अपने आप को खुदकुशी के जरिए हलाक किया, कयामत में उसका हमेशा का अजाब ये रहेगा कि उसी तरीके से जहन्नम में अपने आप को हलाक करता रहेगा। तो कहां तुम्हारा जिस्म हुआ और कहां तुम्हारी मर्जी हुई? ये जिस्म भी अल्लाह का है, मर्जी भी अल्लाह की है। अल्लाह ने जब औरतों को इज्जत दी है और मर्दों को कहा है कि कमा के लाके दो और औरतों के सारे खराजात खुद उठाओ, उसके बावजूद अगर कोई औरतें काम करना चाहें अपने हुदूद में रहकर, अपनी इज्जत को संभालते हुए, अपने पर्दे को संभालते हुए, अपने घर वालों की गैरत को संभालते हुए, वो जो है जरूर काम करें, वो टीचिंग करें, वो पढ़ाएं, वो और 50 काम कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं। खुद हते सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जो थी वो बेहतरीन बिजनेस मैन थी, बिजनेस किया जा सकता है। हम ये नहीं कहते किसी माँ बहन को कि आप जो है कोई बिजनेस ना करें, आप कोई ऐसी मकसद यही है कि बहुत सारी औरतों की जो है, बहुत सारी लड़कियों की अपनी अंडर एज में शादी करवा दी जाती है उनकी मर्जी के बगैर, या वो दीन इस्लाम करवा, खुदा के करवाता है, नहीं कि आप लोग करवाते, ठीक है। उसके बाद आप उसमें गुंजाइश निकाल के उन छोटी बच्चियां जो नाबालिग बच्चियां हैं उनकी शादियां करवा देते हैं। तो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी उस चीज पे बोल रहा है और इसमें कुछ खराबी नहीं है। देखिए आपका जिस्म है उस पर आपकी मर्जी होनी चाहिए ना, और मर्जी से हमारा मकसद उन मर्दों की तरफ है, उस माशरे की तरफ है, उस पेट्रियार्कल माशरे की तरफ है कि भाई आपका जिस्म हम आपको नहीं दे सकते, ये हमारा जिस्म है, इस पर हमारी चॉइस चलेगी। खुदा से मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला उन लोगों से है जो कि खुदा के अहकामात को ही डिनाय कर, आप समझ नहीं है इस पॉइंट को, अगर ये पॉजिटिवली लेना नहीं चाह रहे, बेसिकली इनको है मार्च गंद। आपके मार्च में इस्लामाबाद में एक शख्स शरीक था, वो कहता है निकाह की जरूरत ही नहीं है, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, निकाह करूं या नहीं करूं, ये क्या है? आपका भी है, खुदा हमारा भी है, लेकिन हमें खुदा के साथ कैसे आप जोड़ रहे हैं कि हम खुदा की मर्जी को नहीं मान रहे? हम कैसे नहीं मान सकते, हमारी ये औकातें नहीं है, हम तो आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि ये मेरा अच्छा, तो खुदा ने आपको, खुदा ने आपको कहा है आप नहीं मानेंगे, आप अपनी बात को, अपने पॉइंट्स को हमेशा दीन से जोड़ देते हैं, क्यों दीन से ना जोड़ें? जो फैक्ट चल रहे हैं ये अगर आपको दीन इस्लाम की परवाह होती तो आज इन मसाइल पे बात करते, बताएं कितने बच्चों का मदरसे में रेप होता है, बताइए कि आप 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 आपके नजदीक अच्छा ये बताइए कि औरत जो है वो आपके नजदीक चड्डी बनियान पहन के आए, आपके मार्च में जो आप आने देंगे कि नहीं, आप चड्डी बनियान को सपोर्ट करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। अच्छा ये बताइए आप, क्या जिना करना गलत बात है कि नहीं? नहीं शहजादी राय, आप ये बताइए आप क्या जिना करना गलत बात है कि नहीं? अच्छा मालूमात, अरे मेरी बात का तो जवाब दें, मालूमात, अरे थोड़ा ब्रेक पर पांव रखें, ब्रेक पर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ जिना करना गलत है कि नहीं? आप यहाँ लेस्बियन और गैस गलत है कि नहीं, वो बता दें मुझे। अरे आपके आपके मार्च में लोग एलजीबीटी का झंडा लेकर आते हैं, आपके मार्च में लोग एलजीबीटी का झंडा लेकर आते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दे ये वेस्ट से इतनी इनकी ऑब्सेशन क्यों है? ये गेस का जिक्र कर रहे हैं, लेस्बियंस का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात, वेस्ट नॉर्थ साउथ को छोड़ें, ये बताएं, अच्छा ये बताएं कि लेस्बियन और गाइस को आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं, वो बताइए।
मेरी बात सुने, हम किसी के खिलाफ नहीं है, गेस और लेस्बियंस के बारे में इस्लाम खिलाफ नहीं है ना। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप खिलाफ नहीं है, गेस को लेस्बियंस की आप तबलीग कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, अगर उनका कोई ज़हनी मसला है उसको दुरुस्त करने की तरफ ले आ जा सकते हैं, क्योंकि वो भी मुसलमान होते हैं। अगर वो हरकतों में है, ऐसी बहस है कि मेरे ख्याल से मैं अब बड़े अफसोस के साथ भी कहूंगी कि जो बहस है, हर साल जब औरत मार चाहता है ये बहस होती है और इसका हल नहीं निकल सकता, फिर अब अगले साल औरत मार्च जब होता है तो तब भी ये बहस है, ये ऐसी चलती रहती है। वाकई मेरे ख्याल से एक पेज पर आने की बड़ी जरूरत है, बहुत से मामलात हैं जिनको हाईलाइट किया जाता है लेकिन सोल्यूशन नहीं निकाला जाता। हर साल औरत मार्च होता है, प्लेकार्ड उठा के औरतें बाहर निकलती हैं और आज जो अभी आपके सामने है, और आज हमने प्रोग्राम में भी पूरी डिबेट की, मुफ्ती साहब को भी मौका दिया बात करने का, शहजादी साहब को भी मौका दिया बात करने का, लेकिन मुझे लगता है कि सोल्यूशन अभी तक कुछ सामने नहीं आया, लेकिन बहरहाल डिबेट का मौका हम सबको देते रहेंगे और इंशाल्लाह अगर अगले साल भी जिंदगी रही तो अगले साल भी औरत मार्च आएगा और इसी तरह बहस होगी, आई होप के कुछ सोल्यूशन भी हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल।